तो आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं फॉर्मेटिंग। देखिए, कोई भी जब रिपोर्ट बनता है उस रिपोर्ट में फॉर्मेटिंग का काफी ज्यादा महत्व होता है। कोई भी आप ले लीजिए, बिल्कुल जैसे कि इसी इसी रिवाइज को ले लीजिए, ये बना हुआ है, तो इसमें देख पा रहे हैं कि इसकी फॉर्मेटिंग कैसे डिजाइन की गई है क्या। तो अगर आप कोई रिपोर्ट बनाते हैं, या देखिए अच्छा इसी अटेंडेंस शीट को ले लीजिए, दिख रहा है, तो इस पे किस तरह से डिजाइन की गई है फॉर्म। तो जो फॉर्मेटिंग होती है वो मेन होती है, क्योंकि जी फॉर्मेटिंग से ही डिसाइड होता है। तो चलिए, ये जो सामने जी दिख रहा है ना, इसी को हम आपके साथ यस डिजाइन करते हैं, ताकि आपको पता चलेगा कि हम फॉर्मेटिंग कैसे लगाते हैं। ठीक है ठीक है। ठीक है, तो इसी को हम डिजाइन, अभी रिटर्न तो वाला देख रिटर्न वाला तो रूम सारा रूम सारा लो। देख देख सारा हाँ, देख सारा क्लास कुछ। रिकॉर्ड हो रही है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आराम से देखिए, समझिए कंसेप्ट को। तो सबसे पहले ये जो लाइनिंग आ रही है, इसको हटाना, इसको बोलते हैं ग्रिड लाइन। इसके लिए हम जाएंगे ग्रिड पेज लाइन। लेआउट के, हाँ पेज लेआउट के अंदर, और ये आपको दिख रहा अच्छा होगा ग्रिड अच्छा लाइन व्यू है, ग्रिड लाइन अनक्लिक दिख रही करने से हट होती है। जाएगा। जब भी आप फॉर्मेट बनाए, तो एक चीज कॉमन रखिए कि आप पहली रो एंड पहली कॉलम छोड़ के बनाए। ठीक है, ठीक मार्जिन के लिए, क्योंकि प्रिंटिंग पर अगर कोई दिक्कत हो तो मार्जिन छोड़ दीजिएगा। अब यहां से मैं थोड़ा सा ठीक कॉलम है की हाइट को यहां से बड़ा किया, देन यहां हम रो हाइट को भी, यहां से रो की हाइट को बड़ा करते हैं, हाँ और हाँ इस पे जी हम देते हैं येलो कलर, ये पिंक कलर देते हैं, ये वाली कलर। ठीक है फिर डी कॉलम को हम छोड़ते हैं, और यहां ई से लेके हम जेड तक मर्ज करते हैं। तो मर्ज करके एक सेल बना दिया, क्या बना दिया, एक सेल। हाँ, यहां से मर्ज कर दिया। तो ये अलग अलग सेल है ना, मुझे एक बड़ा सा सेल चाहिए, तो सेलेक्ट करके मर्ज कर दीजिए, तो एक हो जाएगा फिर। क्योंकि तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, टाइटल लिखना है, तो टाइटल थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए सर। ठीक हाँ ठीक अब मैं इसके अंदर जो है अपना बैकग्राउंड कलर जो है वो हम ब्लू भर देते हैं इसके अंदर, और ब्लू पे अच्छा हमेशा टेक्स्ट ठीक कलर जो होता है लाइट होना चाहिए। अब जैसे ये सेल कलर ऐसा है, तो सेम कलर टेक्स्ट का ले लेते हैं। अब यहाँ पे है हम लिखते हैं वीकली, अटेंडेंस रिपोर्ट, ठीक है फिर इसको ठीक सेलेक्ट करते हैं, और यहां पे आप हम इसकी साइज को बड़ा करते हैं, और यहां से लेफ्ट कर लेते हैं, बड़ा करते हैं इस तरह से। थोड़ा सा कॉलम साइज और बड़ा करना है ठीक तो और बड़ा कर सकते हैं। ओके, अब यहां जो हमारा ई कॉलम है थोड़ा सा बड़ा करें, क्योंकि यहां पे हम स्टूडेंट का नेम लिखने वाला है, और जाहिर सी बात है स्टूडेंट नेम जब हम लिखेंगे तो स्टूडेंट नेम थोड़ा सा बड़ा होगा ही होगा। ठीक है, जी। यहां पे देते हैं S2 Dell, स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट। ठीक है उसके बाद इसी एक रो और इंसर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ इसको मैं नीचे कर देता हूँ यहाँ। अब यहाँ पे मुझे लेना है, इसमें क्या है कि आपने आई थिंक देखा, यहाँ पे देखिए पता चलेगा, एक बार दिखाता हूँ आपको, ये देखिए P1 T1 U1 और ER, ये जो चार चाहिए है यहाँ पे, तो हर वीक में चार का दिया गया है, P1 T1 U1 एंड E1, राइट। तो हम यहाँ पे वीक ले, यहाँ पे लेते हैं वीक, यहाँ पे 1 2 3 4, और इसको मर्ज करके क्या बनाते, क्या लिखेंगे, मंडे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मंडे, मंडे और बाकी को बस ड्रैग कर देंगे। तो मंडे फ्राइडे है, तो ये आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, फ्राइडे तक पहुंच गया। ठीक है, अब यहां सेम मुझे यहां यहां पे देना है P1 यहां पे T1 और यहां पे U1 और यहां पे हमें देना है E1। अब ये जो है ना, मतलब
हाँ जी ए आई थिंक ए हैज नेम होंगे, क्या बोलते हैं उसको, इसके प्रोजेक्ट नेम होंगे। यहाँ पे सब स्किप कर देते हैं, इससे क्या होगा कि P1 में P हमारा वन हमारा नीचे आ जाए। इसको भी सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं फॉर्मेट से, देखिए सुपर स्क्रिप्ट होता है ऊपर करने के लिए, जैसे स्क्वायर वगैरह डिग्री वगैरह, सब स्क्रिप्ट नीचे करने के लिए। लेकिन उसके लिए आपको डबल क्लिक करके हर एक जो टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे वही होगा, ठीक है अच्छा ना, अच्छा सर सेल ठीक सेल पे ठीक नहीं होता ठीक ठीक है ना। यहाँ पे वन सेलेक्ट कर लिया हमने। देखिए जब भी आप फॉर्मेटिंग करते हैं तो मैनुअल ज्यादा करना पड़ता है, उसमें कोई ऑटोमेशन और तरीक बगैर नहीं होती है, एक कला की तरह होता है, एक ठीक आर्ट्स की तरह होता है। हमने इसको कॉपी ठीक है किया, ठीक इस पे पेस्ट कर दिया, इस पे पेस्ट कर दिया और इस पे पेस्ट कर दिया, और लास्ट हमारा फ्राइडे है तो फ्राइडे पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब प्रॉब्लम है कि हमारा कॉलम का साइज बहुत ज्यादा हो गया है, तो मैं इसको पूरे कॉलम को सिलेक्ट करता हूं। सिलेक्ट करने के अच्छा बाद मैं किसी कॉलम के साइज पे जस्ट डबल क्लिक करूंगा, किस कॉलम का जो बॉर्डर है ना, इस तरह कर्सर बनेगा, दिख रहा है कर्सर, डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करते ही क्या होगा कि ये ऑटो फिट होगा, कि कॉलम को जितना बड़ा साइज चाहिए ना उतना बड़ा साइज में आ जाएगा। लेकिन साइज काफी छोटा हो गया, काफी छोटा हो गया, थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए। अच्छा इसको सेलेक्ट किया मैंने और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर, थोड़ा सा और कर देता हूं, तो कॉर्नर ये से बढ़ कॉर्नर से जाएगा बड़ा और होगा, कॉर्नर कॉर्नर से कम बड़ा हो हो से कम जाएगा। हो जाएगा सर। जी हाँ जी, अब ठीक है। अब मैं सबसे पहले इसका कलर करता हूं, इसकी बैकग्राउंड, ठीक और थोड़ा सा रो की हाइट भी मैं बढ़ा देता हूँ, और इसको सेंट्रल कर देता हूँ, सेंट्रल यहाँ पे भी सेंट्रल, ठीक ठीक है। ठीक है और इसकी ठीक बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ, इसका टेक्स्ट कलर कर देता हूँ, और साथ में ठीक है इसको सर बोल्ड भी कर देता हूँ। ठीक अब यहां छूट गया तो F4 कीजिए, F4 लास्ट एक्शन को रिपीट करता है, ठीक है। अब यहां पे स्टूडेंट नेम है हमारा, क्या एक किया है हम सर कि इको इको करने के लिए दोबारा करने के लिए दोबारा M4 किया है एम4 यस किया है। जी, नहीं दोबारा से किया सर मैंने, यस सर। क्या बोले सर, तो जो लास्ट आपने लास्ट आपने इको जो इको कलर जो किया है ना कलर वो किया है कैसे ना वो किया है कैसे किया है, नॉर्मल किया है, मैनुअल किया है सर, मैनुअल वो सीधा मैनुअल कलर वो कर सीधा दिया कलर ना ऊपर कर से दिया ना लेके ऊपर से ठीक लेके। है जी ठीक जी ठीक है। ठीक अब है सर ये जो ठीक है आपका ठीक ये जो दिख रहा है, ये नीचे तक इसको लाना है, तीस तक करता हूँ, ठीक है। और इसके ठीक ऊपर है राइट क्लिक करके मैं फॉर्मेट सेल पे जाता हूँ, और इसकी अच्छा मैं लेता हूँ बॉर्डर में जाता हूँ, ये मोटा वाला बॉर्डर लेता हूँ और कलर चेंज करता हूँ, कलर में ठीक ग्रीन चाहिए मुझे थोड़ा, अच्छा ठीक और मुझे ये जो है राउंड बॉर्डर चाहिए, लेकिन जो बीच में है ना हाँ उसमें डॉट लाइन चाहिए, राउंड हाँ और डॉट लाइन बीच चाहिए में वो थोड़ा भी सा ग्रे, ठीक हाँ ग्रे कलर का, तो यहां से बीच वाला हमने ग्रे ले लिया, अच्छा अच्छा ठीक है। और सेम मुझे इसको भी ठीक करना है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, और यहां भी मैं F4 होता है लास्ट एक्शन को रिपीट करता है, एक क्या सर शॉर्टकट क्या होता सर है F4, फंक्शन 4, अच्छा लास्ट, F4 हाँ इसमें लास्ट कहीं शो एक्शन, है शो ऑफ हाँ लास्ट एक्शन को रिपीट करता है, जो आप पिछले बार में किए है ना उसी को दोबारा दोहरा देता है। कर F4 जैसे F4 जैसे मैंने पिछला बार बॉर्डर अप्लाई किया ना, तो मुझे दोबारा जाके फॉर्मेट सेल में बॉर्डर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, F4 करूंगा तो सेम बॉर्डर अप्लाई यहां हो जाए, अच्छा लास्ट एक्शन को रिपीट करता है, क्या करता है लास्ट एक्शन को, लास्ट एक्शन को लास्ट रिपीट एक्शन को करता है रिपीट करता है F4 F4, जी F4। अब जैसे बॉर्डर में गए और ठीक यहां पे मैं ए वाला है बॉर्डर ऊपर कर देता हूं, हो सर गया, सॉरी ये नीचे हो गया, हमें यहां करना था, ये राइट क्लिक फॉर्मेट सेल और ए वाली बॉर्डर लिया और यहां डाल दिया, ए वाली सॉरी मोटी वाली, एंड हो।
हेलो हेलो हेलो। हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए ना। हाँ जी हाँ जी, हाँ आपकी जी आवाज़ हाँ है जी, ना, आवाज ना सर, थोड़ा सा ब्रेक ले लें, थोड़ी ले लो सर, बीच बीच में 1-2 सेकंड रुक जाता हूँ सर। कोई बात नहीं सर। उसके बाद इसको मैंने लिया, लेने के बाद राइट क्लिक किया फॉर्मेट सेल, और इसपे मुझे डॉट लाइनिंग चाहिए ग्रे कलर की। ठीक है, ठीक है, तो मैं ये दे दिया, सॉरी डॉट लाइनिंग चाहिए, तो ऊपर लाइनिंग में छेड़छाड़ नहीं करता हूं। अच्छा। तैयार है? हाँ अब इसकी साइज जो है थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, किसकी, रो की साइज। तो रो, पूरे रो को सिलेक्ट किया, यहां पे क्लिक करते हुए सिलेक्ट कीजिए, या फिर कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके कर लीजिए। अब 14 से मैं इसकी साइज जो है 21 कर देता हूं। कैसे किया ठीक सर है, ये? अच्छा बस यहां से इसको तो ड्रैग कर दीजिए, नीचे नहीं दिख रहा आपको यहां से। अच्छा अच्छा, पकड़ पकड़ के, के, ठीक मैं है, पकड़ फिर के, जैसे कॉलम पकड़ किया वैसे यहां भी पकड़ करना होता है। ड्रैग कर दूँ, ड्रैग कर दूँ इसको। जी, अब मुझे इस पूरे को सेलेक्ट किया, अब मुझे एक को कलर और दूसरे को कलर नहीं करना, एक को ग्रे कलर करना है, ये वाली ग्रे, हल्का लाइट ग्रे, ये वाली ग्रे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, एक को अप्लाई कर दिया। अब दोबारा जाके यहाँ कलर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमने क्या बताया था, F4। F4 जी हाँ, F4 क्या करता, लास्ट एक्शन को रिपीट करता है। रिपीट करता है, रिपीट खाली करता है, जी हाँ, मुझे सिलेक्ट लास्ट करना है एक्शन और करना है और F4 F4 दबाना है। दबाना है। जी हाँ, इस तरह से आप कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, तो जितना अच्छा फॉर्मेटिंग होगा उतना ही अच्छा रिपोर्ट माना जाएगा। तो क्या है ना सर, मिठाई कितना भी टेस्टी क्यों ना, देखने में गंदा है तो कोई नहीं खाएगा, ठीक बात है। लेकिन मिठाई अगर ये जितना ही, सर, ये F4 सेलेक्ट एफ4 करने के सेलेक्ट बाद या करने F4 दबा के फिर इसको सेलेक्ट के करना बाद, है? सेलेक्ट करने के बाद एफ4 से तो अप्लाई होगा ना, सेलेक्ट करेंगे तो जहां कहां अप्लाई करना है वो डिसाइड होता है ना सर। अब मुझे यहां पे कुछ डिटेल्स देनी है, और इसके लिए मुझे चाहिए डॉट लाइंस। तो यहां पे हमने डॉट लाइंस ले लिए, और डॉट लाइन की कलर जो है नॉर्मल ब्लैक कलर होनी चाहिए, ठीक है ना, और हमने ये डॉट लाइन यहां से ले लिया। और मुझे कहां चाहिए, नीचे चाहिए, नीचे ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गई रूम, ठीक यहां पे 2-3 जगह पे चाहिए, तो F4 दबा के 2-3 जगह पे हम कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से जैसे मुझे यहाँ पे रूम के बारे में देना है तो यहाँ पे रूम हो जाएगी, उसके बाद मुझे यहाँ पे टाइम देना है, ये हमारा टाइम हो जाएगा, ये हमारा टीचर देना है, ये हमारा टीचर हो जाएगा, यहाँ पे कोर्स देना है, यहाँ कोर्स हो जाएगा, यहाँ पे वीक ऑफ देना है तो वीक ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम प्रिंट सेटिंग करना है, हमने फॉर्मेट तो बना लिया, बट क्या है कि फॉर्मेट बनाने से कुछ नहीं होगा, फॉर्मेट बनाने से कुछ नहीं होगा सर, हमें क्या करना होगा, इसकी प्रिंट की सेटिंग करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो प्रिंट के लिए मैं फाइल में जाऊंगा और यहां पे करूंगा प्रिंट, तो प्रिंट में देख रहा हूं कि प्रिंट सही से नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो चलिए इसके लिए हम, हमारा पोर्ट्रेट है, सही है, पोर्ट्रेट में ही चाहिए, नहीं पोर्ट्रेट नहीं, लैंडस्केप चाहिए, माफ कीजिएगा, लैंडस्केप, लैंडस्केप करूंगा तो ये आ रहा है। उसके बाद मार्जिन नॉर्मल से नैरो कर देता हूं ताकि जो कट रहा है वो कट जाए। ठीक है, फिर भी मेरा प्रिंट एक पेज पे नहीं आ रहा है, तो थोड़ी सी जो मार्जिन हमने ज्यादा दे रखी है उस मार्जिन को मैं यहां से कम कर लू, ठीक है ना। जो कॉलम के साइज है वो भी थोड़ा ज्यादा है, तो उसको भी थोड़ा सा कम करता है, स्क्वायर में हो जाएगा, सही रहेगा। ठीक है, अब मैं कुछ कम नहीं कर सकता क्योंकि अब जो भी है सही है। ठीक है, फिर भी मेरा यहाँ पे रिपोर्ट कट रहा है ना सर। तो कट रही है, कट रही इस केस में स्केलिंग सेट करेंगे, तो जैसे आप प्रिंट स्केलिंग करते हैं, स्केलिंग। हाँ प्रिंट करते हैं, हाँ तो ठीक यहाँ पे स्केलिंग है दिख रहा ठीक होगा, है ठीक नो स्केलिंग,
इसे मैंने बोल नो दिया स्किल इसमें, इसे कहता है फिट टू वन पेज। अगर ऐसा कर दिया तो आपकी प्रिंट साइज छोटी होके एक ही पेज पे फिक्स हो जाएगी, ठीक ठीक है है। सर, या फिर आप चाहते हैं कि नहीं ठीक सिर्फ मेरा विड्थ वन पेज पे आए, सारे कॉलम्स एक पेज पे आए, सारे रो एक पेज पे आए, तो आप इसका यूज कर सकते। तो अब मेरा ये फॉर्म है। है, इसको सिलेक्ट करके कर दूंगा, सारी शीट को नहीं सिलेक्ट नहीं करके फिर नहीं टू नहीं वन नहीं 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 प्रिंट प्रिंट पे जा, रेंट पे पे जाया जाके कीजिए। हाँ प्रिंट पे जाया कीजिएगा, वो अपने आप सिलेक्शन बनेगा अपने सीधा। अपने आप ले आइए सर उसको। जी बिल्कुल, यस सर, यस सर, हाँ सर अपने आप ले लेंगे, ठीक, समझे। जी, ठीक तो इस तरह की जो रिपोर्ट्स है हम आसानी से बना सकते हैं। अब इसमें हम कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसमें डेटा एंट्री करनी, तो यहाँ पे वाई, यहाँ पे मुझे क्या है कि वाई सिलेक्ट करना, ठीक है। तो इस पूरे को सिलेक्ट किया और हम चले जाते हैं डेटा मेनू बार के अंदर, डेटा वैलिडेशन। डेटा मेनू बार में यहाँ आपका डेटा वैलिडेशन दिखेगा। डेटा वैलिडेशन में हम यहाँ पे लिस्ट में यहाँ वाई डाल देते हैं। हम वाई नो भी डाल सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ वाई डालना है हमें, हमें बाकी को ब्लैंक छोड़ देना है। ऐसा कीजिएगा ठीक तो यहाँ देखिए इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देखिए है, अच्छा, मान लीजिए मैं वाई और एन दोनों चाहिए, ठीक है। नहीं वाई और तो एन और एन ये चाहिए सर, ये ये तो डाटा तो डालेंगे ना डालेंगे इसके ना हम अंदर। इसके अंदर। हाँ तो मैं डेटा डालना चाहता हूँ तो मैन्युअली टाइप नहीं करना चाहता हूँ, मैं ड्रॉप डाउन अच्छा, सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो कैसे होगा कैसे सर, होगा सर, दोबारा दोबारा बताना बताना एक बार। इनको। हाँ वही बता रहा हूँ कि हम सिलेक्ट करेंगे, जहां से देखिएगा और हाँ ठीक सिलेक्ट है, कर, ठीक जहां करना है उस एरिया को सिलेक्ट कीजिए और चले जाइए है, डेटा मेनू बार। ओके, डेटा मेनू बार डेटा में मेनू चले बार गए, ठीक उसके है, बाद ठीक है, यहां दिखेगा आपको डेटा वैलिडेशन, डेटा टूल्स के ऊपर डेटा वैलिडेशन, वैलिडेशन, इसमें जाइएगा ठीक और यहाँ पे एनी वैल्यू होगा उसको चेंज कीजिएगा लिस्ट में। और है, जो जो लिस्ट में ड्रॉप चेंज कर, डाउन, चेंज कर, हाँ जो जो ड्रॉप डाउन चाहिए मुझे, यस एंड नो को चाहिए, तो हमने यस और नो, वाई और एन कर दिया। यस या नो यस या दोनों नो को दिया, दोनों वाई को दिया, लगा, वाई हो रहा हाँ कॉमा लगा दो। तो जितने भी चाहिए यहाँ पे, जैसे मंथ है तो जैन फेब दिसंबर तक दे सकते हैं, किसी का नाम है तो जो भी लिस्ट कॉमा में यहाँ डालेंगे वो यहाँ ड्रॉप डाउन में आ जाएगा। है, तो कॉमा तो लगाया है कॉमा इसमें, लगाया इसमें आपने, आपने वाई वाई और वाई एन, वाई हाँ हो रहा वाई कॉमा एन, है। हाँ कॉमा ठीक ना लगाएंगे तो वाई ठीक एन दिखेगा, सिर्फ कॉमा लगाएंगे ठीक तभी वो मैंने वो आपको ऊपर नीचे दिखेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और ओके करते हैं। अब देखिए यहां पे आ गए, ओके, ठीक है। अब अच्छा इसे एक जी, फायदा और भी है कि मैं इन दोनों के अलावा कुछ एंट्री नहीं कर सकता। यहाँ पे मान लीजिए मैं पी ओके, एंट्री करने की कोशिश करूंगा तो पी एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि अच्छा, लिस्ट में पी ये नहीं यस होगा। हो गया, यस या नो, यस ये या नो नो ही ही होगा होगा, जी इसमें। हाँ समझे। ठीक है अब सर, मान ठीक है, लीजिए कि मतलब वही मैंने डाटा बोल दिया, जाएगा, यस और नो यस ही और नो जाएगा ही जाएगा, इसमें, अदर इसके डाटा अलावा कोई भी डाटा एंट्री एंट्री नहीं नहीं होगी, जी बिल्कुल। अब यहीं पे एक चीज और आ गई कि अगर किसी ने नो सेलेक्ट किया तो ये रेड कलर से हाईलाइट हो जाए ताकि दिख जाए। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसको सिलेक्ट करके मैनुअली अगर इसकी कलर को किए रेड तो दिक्कत हो जाएगी ना सर, तो मैनुअल हो गया। कल के डेट में कोई बार वाई किया तो फिर हमको मैनुअली जाके इसकी कलर को हटाना पड़ेगा, नो यहाँ पे एक ग्री ग्रे कलर करना पड़ेगा क्या। तो ऐसे केसेस में हम ऑटोमेटिक कलर्स के लिए या फॉर्मेटिंग के लिए हम यूज करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो होम मेनू बार के अंदर कंडीशनल, ये रहा कंडीशनल फॉर्मेट, इसमें कई सारे हैं जैसे कि ओके, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन, डेट ऑफरिंग, डुप्लीकेट वैल्यू, बट यहाँ पे मैं इक्वल टू में हम जाके करेंगे एन। तो एन करते ही एक एक पर्टिकुलर कलर ले लिया इसने, लेकिन मुझे तो अपना खुद का कलर चाहिए। तो इसी के साथ में आपको दिखेगा विथ, विथ में जाएंगे और यहीं पे हम सिलेक्ट करेंगे कौन सा कस्टम फॉर्मेट, जहां पे फिल के अच्छा, अंदर जाके अपने हिसाब का जो कलर चाहिए वो हम चूज कर लेंगे, कस्टम कस्टम, ठीक है, राइट ठीक सर, है। राइट सर, ठीक है देखिए। अभी सब में अभी अप्लाई सब हो में गया, अप्लाई हो ठीक गया, जी हाँ ठीक है, ठीक है, अप्लाई क्योंकि हम को एरिया अप्लाई सिलेक्ट कर लिया था करके ना। देखिए कोई भी फीचर एक्सेल का अप्लाई करते हैं तो पहले एरिया को सिलेक्ट करना होगा, जितना एरिया सिलेक्ट कर रखे हैं ना, सिलेक्शन समझते हैं ना सर, यस सर, क्लिक यस, करके एरिया सिलेक्ट कर लिया हाँ जी,
तो उतने एरिया का अप्लाई होगा, चाहे जो अप्लाई करना चाहे। ठीक है ठीक सिंपल है सा रूल है इसका, ठीक है ठीक है समझ गए। अब जी जी मान लीजिए कि मैं कोई डेटा एंट्री कर रहा, ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि कोई पर्सन मैं जहां चाहता हूं ना वहीं पे एंट्री। देखिए इस तरह की चीजों पे हम जो है बहुत सारी चीज कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल में मैं दिखाऊं आपको, एक मिनट। अच्छा सर, ना इस ठीक है तरह सर का ठीक है फॉर्म आप एक्सेल पे बना सकते हैं। कैसे दिखाता हूं आप। देख, दिख रहा है सर, सेम इसी सही तरह है से बन सही है जाएगा। समझेगा हाँ अभी बना के बताता हूँ, ओके देखिए ये बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ओके सबसे पहले हम एक एरिया ले ले कि एरिया में चाहिए मुझे, और इस एरिया के अंदर जो ठीक कलर हम यूज करना चाहते हैं वो यूज करना चाहते हैं, मान लीजिए ये बार। फिर मैं यहां से, हम जैसे बताया कि हम एक रो एंड एक कॉलम छोड़ देते हैं, तो थ्री थ्री पे आते हैं आप। हम इसको चूज करते हैं एक एरिया को, इसकी कलर कर देते हैं ग्रे। ठीक है, ओके अब यहां पे एक बड़े से एरिया को सेलेक्ट करते हैं और इसको कर देते हैं रजिस्टर। यहां पे जो मैटर लिखना है लिख दीजिए, तो क्रिएट योर काउंट इट्स फ्री एंड ओनली टेक दिस मिनट। ठीक है, और रजिस्टर को हम यहां से बड़ा ओके बड़ा कर देते हैं, ठीक यहां पे इसको बोल्ड कर देते हैं। इसको इसकी है ठीक कलर है जो है, इसकी कलर मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा, तो सॉरी बैकग्राउंड नहीं, टेक्स्ट कलर। ठीक है, अब यहां पे मुझे चाहिए फर्स्ट नेम। क्या चाहिए? फर्स्ट नेम। फर्स्ट तो बॉस यहां पे हम सी कॉलम को करूंगा छोटा और डी अच्छा कॉलम को अच्छा करूंगा बड़ा, थोड़ा सा ओके कॉलम ओके की हाइट को भी बड़ा करूंगा। इसके बीच जो है बैकग्राउंड कलर उसको करूंगा व्हाइट, बिल्कुल व्हाइट। फिर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाऊंगा और यहाँ पे हम ग्रे कलर लेंगे यहां से, ठीक है, और ये बॉर्डर लेंगे और ये राउंड बॉर्डर दे देंगे। हो गए सर। फिर इसको ठीक है कॉपी किया, एक कॉलम छोड़ के यहां पे पेस्ट कर दिया। इसकी साइज को मैंने कर दिया बड़ा, ये फालतू के डेटा है बड़ा तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब यहां पे फर्स्ट नेम लिखा हुआ कैसे आए? अगर मैं डायरेक्ट यहां पे जैसा फर्स्ट, यहां पे फर्स्ट नेम डायरेक्ट लिख दू तो कोई चीज टाइप करेगा चेंज हो जाएगा। तो हम इसके बगल वाले सेल में हम यहां लिखेंगे फर्स्ट नेम, FIRST फर्स्ट नेम, और ने इसकी ओके कलर जो ओके है हम कर देंगे ग्रे कलर। इसको कर देंगे यहां से ग्रेट ओके सेंट्रल यहां, और ये जो आपको ओके ओके इंडेंट दिख रहा है इससे हम पोजीशन कर सकते हैं कि मेरा कलर, मेरा टेक्स्ट कहाँ पे जाएगा। अच्छा ठीक और फिर इसकी कलर हम कर देते हैं व्हाइट। है और
और इसकी भी बॉर्डर राइट क्लिक कर फॉर्मेट सेल में हम बॉर्डर आते हैं और ए वाली बॉर्डर ऊपर नीचे साइड अप्लाई करना। ऐसा रहेगा कि दो सेल है लेकिन लगेगा कि एक ही सेल है। ठीक है, अब इन दोनों को कॉपी करके हम यहां पे सेम पेस्ट कर, ठीक एफ कॉलम को कर देते हैं छोटा एंड जी है, कॉलम को अच्छा कर अच्छा देते हैं बड़ा। ठीक ठीक है है, ठीक है, और फर्स्ट नेम की ओके जगह पे हम कर ओके। देते हैं सेकंड नेम। ठीक है, सेम इसको हम सेम इन दोनों को कॉपी करते हैं और यहाँ एक रो छोड़ते हैं, नीचे को पेस्ट कर देते हैं। इसकी कॉलम साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं और इसको पूरे एरिया को सेलेक्ट करके फॉर्मेट सेल में हम एक बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं और बीच वाला जो बॉर्डर है इसको हटा देते हैं। ठीक है ठीक है, और इसकी कलर जो है व्हाइट कर देते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा हो ठीक है गया, ठीक है। इसको भी थोड़ा छोटा कर देते। फिर वापस यहाँ पे हो जाएगी ईमेल, तो हमने यहाँ पे ईमेल कर दिया। तो इस तरह से फॉर्मेटिंग हम क्रिएट कर सकते हैं, समझे? ओके, ये ओके, ये मैनुअल है मैनुअल है लेकिन लेकिन सर। हाँ सर, फॉर्मेटिंग मैनुअली होगा सर, फॉर्मेटिंग में कोई ट्रिक्स नहीं होता है। हाँ, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, मतलब दिखावा चेंज, जैसे आप देख पा रहे हैं ना कि यहाँ ईमेल, यहाँ पे देखिए पासवर्ड है आपका, क्या है पासवर्ड, पासवर्ड पासवर्ड है। अब मैं किसी तो को किसी इसको को भेजूंगा तो वो भेजूंगा रिप्लाई तो करेगा, रिप्लाई इस पे करेगा, किस चीज इसके के लिए लिए यूज होगा सर? होगा सर। सही, फॉर्मेट क्रिएट करना सिखा रहे हैं हमको, ऐसा नहीं कि इसमें भरेगा फॉर्म तो रिप्लाई आएगा। अगर चाहते कि फॉर्म बने पर रिप्लाई हो तो उसके लिए फिर वीवीए प्रोग्रामिंग इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, इसके लिए आपको वीवीए प्रोग्रामिंग इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल में एक मिनट मैं बताता हूँ, उसके लिए कोडिंग करना पड़ता है, डायरेक्ट थोड़ी हो जाएगा। हाँ ठीक। तो बट वही है, तो कोडिंग या फॉर्मूला या कुछ करेंगे तभी होगा ना, जब हम यहाँ ठीक पे है फॉर्मेटिंग ठीक है। तैयार कर लेंगे। जैसे ये देखिए, ठीक है आपको सर, तो इसमें क्या है कि जो भी हम फॉर्म भरेंगे वो डेटा मेनू बार में यहाँ चला जाएगा, ठीक है ठीक यहाँ जो दूसरे सीट पे चला जाएगा जो भी फॉर्म भरो। तो इसके लिए हमने प्रोग्रामिंग किया हुआ है, ये देखिए दिख रहा है, ये कोडिंग आपने किया किया हुआ है। आपने किया हुआ जी हाँ, मैं पढ़ाया है यस सर यस ये। ठीक यस है, सर यस सर अच्छा हाँ सर, मैं बच्चों को पढ़ाया, एग्जाम्पल दिया, मेरा ही बनाया हुआ है सर। नहीं, अच्छा ये नहीं, एक्सेल में ये यूज एक्सेल होता में है यूज या होता है, ये ये प्रोग्रामिंग किस एक्सेल लिए होती है? एक्सेल में यूज होता है, एक्सेल की प्रोग्रामिंग उसको वीवीए कहते हैं, वीवीए अच्छा, मैकोस, प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग होती है होता है। एक्सेल में। ओके जी हाँ, अब ओके जैसे यहाँ पे देखिए कि पासवर्ड, अब मैं यहाँ पे कोई, अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए खासे देखिए, फर्स्ट टाइम दिख रहा है ना। अब मैं यहाँ पे अगर अब यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और इसको हम तो ये सर ये मिडल से करते मतलब हैं, बोल्ड ये करते हैं, अगर अभी ये इसमें अगर फर्स्ट इसमें नेम फर्स्ट डालेंगे तो नेम फर्स्ट डालेंगे तो नेम फर्स्ट नेम हट हट जाएगा ना जाएगा। इसमें से, जी हाँ, यहाँ पे जैसे पीछे पूजा किया हट गया, यहाँ पे ये देखिए फर्स्ट नेम ये दिख कैसे रहा है? फर्स्ट नीचे नेम वाले उससे नीचे दिख वाले रहा है से क्या, दिख रहा है क्या? जी जो नहीं, आपने डेवलप फर्स्ट बनाया नेम है? क्या क्या बोला सर, ये जो सर, फर्स्ट ये जो नेम फर्स्ट आ रहा है, नेम आ फर्स्ट रहा है, नेम, फर्स्ट ईमेल, नेम, सेकंड सेकंड नेम, एंड नेम, ये ये वैसा आ रहा है ना, वैसा लाइट आ आ रहा रहा है है ना, ना जब ये हम एक्चुअल डाल रहे काफी हैं डाल तो रहे पूरा, ये कैसे ये हुआ है? कैसे ये हुआ है, थोड़ा सा ये मैं कंफ्यूज हूँ। इसके लिए हमने इंडेन इस्तेमाल किया है। अच्छा, इसके लिए हमने इंडेन हाँ इस्तेमाल हाँ किया है, बताता हूँ क्या कैसे किया, मैं दिखाता हूँ। कैसे जैसे बताओ सर। बताओ, जैसे मान लीजिए कि मुझे मुझे यहाँ पे कुछ शो करना, राइट? तो मैं चाहता हूँ जब मैं टाइप करूँ तो हर ऑटो सजेशन की तरह, तो मैंने क्या किया, इससे पहले वाले कॉलम पे लिख दिया कि एंटर नेम। ठीक है, और इस एंटर नेम को मैंने कर दिया लाइट कलर में, किसमें कर दिया, लाइट कलर में, लाइट में कर दिया। और इसको जो ओके है हमने यहां आपको दिखता तीर के निशान, इसको बोलते इंडेंट कहते हैं, इसको मैंने पोजीशन कर इस दिया पोजीशन पे कर। और ओके ओके पहले वाले कॉलम को कर दिया छोटा एक बार, ताकि पता ना चले कोई कॉलम अच्छा है, अच्छा तो ये समझे चला था, ये सर? चला था उधर। हाँ, अब यहां पे मैं लिखूंगा, मान लीजिए यहां पे मैं लिखता हूं पूजा, तो हट गया सर, और डिलीट करूंगा तो वापस आ जाएगा।
अच्छा तो तो गया कहाँ, गया मतलब कहाँ, ये वो अभी रखा होगा मेरे को। हमको हाँ होता है क्या, सुनिए बताता हूँ। जैसे मैंने एक एक कॉलर में लिखा सुजीत कुमार, सुजीत कुमार लिखा, ठीक है ठीक है, ये समझ गया देखिए समझ अभी गया कॉलम से बड़ा हो गया, कॉलम की जो साइज है हाँ उससे बड़ा हो गया, पी हाँ कॉलम के टच में आ गया, तो अभी दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि पी कॉलम में कोई वैल्यू नहीं है। हाँ अगर इस कॉलम को छोटा भी कर दिया ना, फिर भी दिखेगा। क्यों? हाँ क्योंकि हाँ पी कॉलम में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जैसे ही पी कॉलम में कोई वैल्यू जाएगा वो हाइड हो जाएगा, हाँ और पी कॉलम की वैल्यू ओके हटेगा तो वापस आ जाएगा। तो सेम चीज यहाँ हो रहा है कि हमने इसकी कॉलम साइज बहुत छोटा कर दी, टेक्स्ट बड़ा कर दिया, तो एम में दिख रहा है। अच्छा एम में दिख लेकिन रहा है, दिख रहा है हाँ, लेकिन जैसे ही मैं एम के अंदर कोई डेटा लिखूंगा वो क्या होगा, वो हाँ हाइड हो जाएगी, और एम के अंदर वो डेटा हाई होगा और हटाऊंगा। ये नीचे का समझ गया, समझ समझ गए, गया, समझ गए, थैंक यू सर, समझ थैंक गए यू ना सर। जी जी तो फॉर्मेटिंग जी में ऐसा ही होता है, इसी तरह के बहुत सारे फॉर्मेटिंग बना सकते हैं। तो ओके फॉर्मेटिंग में ओके एक तरह से आर्ट होती है, एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, एक कला होती है जो आपको बनाते ही निखरेगी। जैसे आपके सामने मैंने ये बनाया, इससे पहले आपने देखा मैंने इसको बनाया, ठीक है ना। ठीक जी हालांकि ऐसा देखा गया है कि इन सब कामों में लड़कियां भी अच्छी होती है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बहुत सारे लड़कियों के साथ जो पढ़ाया है, उनकी फॉर्मेटिंग बड़ी अच्छी होती है, ठीक है। ओके ओके तो आप ट्राई कीजिए, ये फाइल मैं आपको भेज देता हूँ ताकि देख के आप प्रैक्टिस कर सकें, और आज की रिकॉर्डिंग आपको दे देता हूँ, ठीक है। ठीक है सर, मैं ये सर कहना मैं चाह ये रहा कहना हूँ चाह रहा हूँ, अभी आप मेरे को अभी आप तीन मेरे को तीन क्लासेस और क्लासेस दोगे ना और इस दोगे वीक ना में, इस। तीन